हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू यू ऑल और माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी अब फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है सेंट्रलाइज की और बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं, तो उन डाउट्स को लेकर के एक वीडियो में ये बना रहा हूँ। इंस्टाग्राम पर डाउट्स आ रहे थे पोस्ट पर, और व्हाट्सएप पर मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। आप व्हाट्सएप का लिंक आपको इंस्टाग्राम की बायो में मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, डीएचई चंडीगढ़ की एडमिशन की हम बात कर रहे थे, तो डीएचई चंडीगढ़ की एडमिशन का फर्स्ट राउंड हो चुका है ऑनलाइन का और ऑफलाइन का, पर सॉरी सेंट्रलाइज कोर्सेज का और नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज का जो फर्स्ट राउंड है वो 15 जुलाई को होगा। तो गाइस, अब सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है और जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया, या जिनके कम चांसेस लग रहे हैं, जिनको कंफ्यूज है एडमिशन होगा या नहीं। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को कुछ स्टैट में पहले दिखाना चाहता हूँ। मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली थी, स्टोरी डाली थी, जो लोग इंस्टाग्राम पर हैं आप लोगों ने देखा था ना, 68-70% के करीब स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने, जिनकी एडमिशन जो है वो फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं। अब इसमें भी आप लोगों को एक चीज में दिखाता हूँ, सीयूईटी का तो सुना होगा ना आपने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एक बार आप लोग वेट कीजिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। तो 861 स्टूडेंट्स में से 32% स्टूडेंट्स को ही कॉलेज अलॉट हुआ है। 68% स्टूडेंट यहां पर भी ऐसे हैं जिन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा गाइस, आप लोगों को यहां पर देखिए, गाइस क्या आप लोगों ने सीयूसीईटी के लिए भी अप्लाई किया है, आर यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। सो यहां पर 37% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सीयूसीईटी के लिए भी अप्लाई किया है, यानी कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे। अभी वेट कीजिएगा, सारे अपडेट आप लोगों को मिलेंगे। तो 37% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अप्लाई किया। अब आप एक सिचुएशन लेकर के चलिए कि अगर इन 37 में से 10% स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं, तो आप सोचिए 37% हम लेकर के चल रहे हैं, तो 10% भी अगर जाते हैं तो भाई बहुत सारी सीटें खाली हो जाती है 10% में भी। अब 10% तो ये लगा लीजिए आप जो सीटें खाली रहने वाली हैं। इसके अलावा अब जो सेंट्रलाइज कोर्सेज की ये लिस्ट आती है, इसमें कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका नाम इन तीनों लिस्ट में है, बीबीए बीसीए बीकॉम। कई ऐसे हैं जिनका दो लिस्ट में है। अब भाई वो तीन जगह तो एडमिशन नहीं ले सकता, वो दो जगह तो एडमिशन नहीं ले सकता, एडमिशन तो वो एक जगह लेगा, ठीक है। तो इसकी एक या दो सीट वो खाली रहने वाली है। अब इन तीनों कोर्सेज में इसलिए भी अप्लाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कर रखा है, वो कंफ्यूज होते हैं एक तो एडमिशन के लिए, दूसरा इनकी एडमिशन पोर्टल कॉमन है, सिर्फ 85 रुपीज फी पेमेंट करनी। तो सारे बच्चे सोचते हैं भाई क्या जा रहा है, एक कोर्स और सिलेक्ट कर देते हैं। तो भाई वो सीटें भी खाली रहने वाली है। आप लोगों को 15 तारीख को मंडे को जब खाली सीटों का स्टैट मिलेगा तब आप देखना, तब आप बोलोगे कि भैया आप सही कह रहे थे, बहुत सारी सीटें खाली हैं अभी। और हो सकता है कि सेकंड काउंसलिंग के लिए खाली ना हो, बट फिजिकल राउंड के लिए तब तक जो है वो बहुत सारी सीटें खाली हो जाएंगी। उसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो उसका रीजन यहाँ पर आप लोगों के लिए है, उसका रीजन है आप लोगों का पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का अगर इंपॉर्टेंट डेट्स एंड शेड्यूल आप लोग चेक करो, तो उनकी जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है ना वो आ ही रही 14 तारीख को है, 14 तारीख यानी संडे को, कल को कंप्यूटर सेंटर अपलोड करेगा। इसके अलावा जो है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 17 तारीख को, और प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट जो है वो 19 या 20 तारीख को आएगी। अब 19-20 तारीख को जाकर के पीयू की लिस्ट आई है, तो जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर सीट रिजर्व कर रखी है डीएचई के कॉलेजेस में एज अ बैकअप, तो उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका इस जो मेरिट लिस्ट है, जो ये मेरिट लिस्ट आएगी उसमें एडमिशन होगा। अब वो सीटें भी खाली होंगी तो वो भी भरी जाएंगी। तो कहने का मतलब, कंक्लूजन आप ये समझिए कि अगर आपका फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। फर्स्ट राउंड में तो कई कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें 90+ कट ऑफ गई हुई, तो भाई 90+ थोड़ा नहीं कट ऑफ जाएगी, आप भी थोड़ा सोचिए। मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, कट ऑफ कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम, एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बता सकता भाई, क्योंकि भाई एग्जैक्ट बताना पॉसिबल ही नहीं है। हर साल बहुत मतलब अब ऊपर नीचे चलता रहता है, कॉलेज वाइज भी, कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, उस कॉलेज ने कितनी एडवर्टाइजमेंट करी है उस पर भी डिपेंड करता है, बहुत एक्स वाई जेड रीजन होते हैं उन पर डिपेंड करता है। तो आप लोगों के लिए अभी बस यही अपडेट है कि आप लोग वेट कीजिए। बीए वालों के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, तो भाई अगर प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं है तो आप ईमेल कीजिए कॉलेज को कि अभी आपका नाम नहीं है मेरा लिस्ट में, आप प्रोविजनल लिस्ट में तो आपका नाम आना चाहिए। और डिस्क्रिपेंसीज के लिए इन्होंने दिया हुआ है कि इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी रीजन प्रूफ देयरफॉर, फॉर्म्स का लिंक दिया हुआ है इन्होंने, ये कोई फॉर्म है तो गूगल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, ये पीजीसी 11 की मैंने वेबसाइट है,
और BA1 डिस्क्रिपेंसी फॉर्म इन्होंने PGC 11 का दिया हुआ है, तो आप इसको जो है वो भर सकते हैं। और ये अभी इन्होंने शायद जो है वो बंद कर दिया है, आप लोगों ने शायद भर लिया होगा ये फॉर्म। और इसके अलावा कॉलेज की वेबसाइट पर कॉन्टेक्ट दिए हुए थे, ईमेल दी हुई होती है, आप उन पर भी जाकर के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी गाइस कल संडे है, कल आप लोगों को जितनी भी क्वेरीज होती हैं आप लोगों की, आप इसमें पुट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि कल वाली वीडियो में आपकी वो क्वेरीज जो है वो मैं ले सकूं, आपकी वो क्वेरीज सोल्व कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। और हाँ, ये व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। अगर नहीं भी फॉलो करना चाहते हैं तो कम से कम इंस्टाग्राम मेरा डेली चेक करते रहिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। और यूट्यूब तो आप लोगों ने फॉलो कर ही रखा है, यूट्यूब पर 19K हमारे आजकल में हो जाएंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों की वजह से ये हो रहा है। थैंक यू ऑल्सो कि आप लोगों की वजह से ये हो रहा है। और हाँ, सब्सक्राइब अपने दोस्तों से भी कराइए, अपनी फैमिली से भी कराइए ताकि हमारा जल्दी से सब्सक्राइबर बेस बढ़ सके। और हाँ, आगे आपको जो वीडियोस मिलने वाली है उसमें स्कॉलरशिप और स्टूडेंट लाइफ में आपको क्या स्किल्स सीखनी चाहिए उस पर मिलेंगी, 1 अगस्त से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो उसका भी आप लोग वेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन।